खबर चूरू के सुजानगढ़ से है, जहां स्टेट हाईवे 22 पर चार बदमाशों ने एक पिकअप चालक की आंखों में मिर्ची डालकर 1.5 लाख की लूट को अंजाम दे दिया है। वारदात की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पिकअप चालक को अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। पिकअप चालक अलादीन भाटी ने बताया कि रतनगढ़ में आटे की सप्लाई कर वो घर लौट रहा था कि तभी स्मार्ट होटल के पीछे घात लगाकर बैठे चार बदमाशों ने उससे मारपीट की और रुपए लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। स्टैंड पर घर है जा रही हूँ, मेरा घर जाता टाइम है नहीं, अपने मोड़ को रुकी गड्डी ने आंखें मैंने मिर्चा गिरी, मारा मिर्चा गिरने बाद मारा लकड़ियाँ और बेट मैंने मारना स्टार्ट कर दियो। फिर मारा जेब पूरे जेब में मारा 20 से 50 हज़ार पूरे गलीड़ा 1 लाख रुपये मारा है माइल जेब में रहा। मैं रुपया काट लिया और बुरी तरीके मन मारने लग गया और गली छोरा 3-4 आर मन बचा।